पिछले कई महीने से कोरोना महामारी से पूरा विश्व परेशान है। हमारा देश भी इस महामारी से जूझ रहा है। वैसे विश्व के कई बड़े और विकसित देशों की अपेक्षा हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में है और ये संभव हुआ है सरकार द्वारा सही समय लॉकडाउन लगाने से, सख्ती से उसका पालन करने से और हमारी व आपकी जागरूकता और कोरोना से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियां अपनाने से। मगर अब हम अनलॉक हो रहे हैं क्योंकि सब कुछ बहुत लंबे समय तक लॉक नहीं किया जा सकता। जिस तरह लॉकडाउन के समय आपने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स और हाथों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है, उसे अभी भी जारी रखना है। जब तक कोरोना महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती है, हमें लॉकडाउन की तरह ही इससे बचने वाली सावधानियां अपनानी चाहिए। कोरोना से बचाव ही इसका इलाज है। बेवजह घर से बाहर ना जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, बिना मास्क लगाए अथवा मुंह व नाक को ढके बाहर ना निकलें। सब्जी, राशन और दूध की दुकानों व अन्य सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें, अर्थात एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी अवश्य बनाए रखें। अपने हाथों को दिन में कई बार कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह अवश्य धोएं। कुछ भी खाने से पहले अथवा बाहर से घर आने पर कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह हाथों को अवश्य धुलें अथवा अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। 10 वर्ष से कम बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। उन्हें बाहर आने जाने से बचाएं। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखें। इसके लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद अवश्य लें। मौसमी फलों और हरी सब्जियों का खूब सेवन करें। अपने चेहरे को बार बार छूने से बचें। कार, बस, टैक्सी, बाइक आदि पर ग्लव्स का इस्तेमाल अवश्य करें। मॉल, सुपर स्टोर अथवा अन्य किसी स्थान पर जाने पर होने वाली थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें। 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कार्यालय, शॉपिंग मॉल्स के द्वार पर थर्मल स्कैनिंग अवश्य कराएं। राशन की दुकानों, प्रतिष्ठानों एवं अन्य दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। कार्यालयों में मास्क और सैनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता रखें। कोरोना वॉरियर्स जैसे कि डॉक्टर्स के सहयोगियों, सफाई कर्मचारियों, पुलिस वालों आदि का सम्मान करें। खाने की होम डिलीवरी को प्राथमिकता दें। बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को अनावश्यक बाहर ना निकलने दें। अपने हाथों को स्वच्छ रखने के लिए हाथों को बार बार साबुन से धोएं अथवा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। किसी प्रकार की समस्या होने पर COVID-19 हेल्पलाइन नंबर 1-800-180-5145 या 1075 या फिर 0522-262-080-0522-223-7515 या 0522-223-0688 पर कॉल करें। आपके सहयोग से कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। अपने एंड्रॉइड फोन में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। काढ़ा व गुनगुने पानी का सेवन नियमित रूप से करें। प्रतिदिन 30 मिनट तक योग व प्राणायाम अवश्य करें। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ व मुनक्के से बने काढ़े का सेवन दिन में कम से कम 2 बार अवश्य करें। पुदीने के पत्ते व अजवाइन डालकर पानी की भाप अवश्य लें। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पिएं। खाना बनाने में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसे मसालों का प्रयोग अवश्य करें। भाइयों बहनों, ये मौसम संचारी रोगों का भी है। ऐसे में सरकार द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान को
सफल बनाने के लिए आपसे बहुमूल्य सहयोग का अनुरोध है। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, पानी की टंकी को ढककर रखें, खिड़की व दरवाजों पर जाली चढ़ाकर रखें, अपने घर के आसपास पानी का जमाव न होने दें, अपने हाथों को हमेशा साफ रखें, पीने के पानी को ढककर रखें और पूरी बाजू वाले कपड़े पहने। आपकी ये छोटी छोटी सावधानियां आप और आपके अपनों को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाती हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जनहित में जारी।